हरे कृष्णा। 29 सितंबर वर्ल्ड हार्ट डे। तो आइए आज हम हार्ट के विषय में, हृदय के विषय में कुछ आवश्यक चर्चा करेंगे। हार्ट हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि यह शरीर का सबसे जरूरी कार्य करता है। साइंटिफिकली हार्ट के अंदर एक पंप लगा होता है, जिस पंप से, पंपिंग होने से ब्लड सारे शरीर में वितरित किया जाता है। लेकिन कभी कभी जब यह पंप खराब हो जाता है तो क्लॉट आ जाता है और कुछ न कुछ बीमारियां हो जाती हैं। इसी हृदय की गति को रुकने को ही हम मृत्यु भी कहते हैं, व्यक्ति सेंसलेस हो जाता है। कभी कभी हम इसलिए देखते हैं, डॉक्टर्स अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसको पंपिंग कर करके दोबारा से पंप को चलाने का प्रयास करते हैं, आर्टिफिशियली श्वास देने का प्रयास करते हैं। यह उसी प्रकार है जैसे अगर हमें मकान की तीसरी मंजिल पर अगर टैंकी को भरने के लिए पानी चढ़ाना है, तो हम अपने घरों में भी देखते हैं कि मोटर पंप को चलाते हैं, टुल्लू पंप को चलाते हैं, तो पंप पानी खींच करके और सीधा तीसरी मंजिल पर चढ़ा देता है। लेकिन अगर मोटर खराब हो जाती है तो पानी की सप्लाई रुक जाती है। अब हम देखते हैं कि ये चलती कैसे है, मोटर पंप किससे चलती है? बिजली के करंट से, बिजली के करंट से चलती है। और हृदय की जो मोटर पंप है ये किससे चलती है? ये चलती है आत्मा के करंट से। अब दूसरी ओर देखते हैं, जो मोटर पंप की बिजली है ये कहाँ से आती है? ये आती है पावर हाउस से। उसी प्रकार से जो हृदय की जो मोटर पंप है ये कहाँ से चलती है, कैसे चलती है? ये भी चलती है पावर हाउस से। अर्थात बहुत सारे सिटी में आपने देखे होंगे कितने सारे पावर हाउसेस हैं, तो वास्तव में पावर हाउस को बिजली कहाँ से मिलती है फिर? अब ये बहुत ही विचारणीय विषय है। पावर हाउस को बिजली मिलती है मुख्य डैम से, और वो मुख्य डैम है भगवान श्री कृष्ण। और छोटे छोटे जो पावर हाउस हैं, जो कंट्रोलर हैं, जैसे अग्नि देवता है, बिजली का देवता है, वो छोटे छोटे पावर हाउसेस हैं। तो मुख्य डैम है भगवान श्री कृष्ण, और यही भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में भी बताते हैं। 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, मैया दक्षिण प्रकृति ही सूए तैसे चराचरम हेतु न अन्यन कौन थे जगत भी परिवर्तित। हे अर्जुन, मेरी अध्यक्षता में ही प्रकृति सारे कार्य करती है। अर्थात इसका ये अर्थ हुआ कि सारी कार्य प्रणाली श्री कृष्ण भगवान पर ही निर्भर है, उन पर ही डिपेंड है। तो हमें श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करना होगा। श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं कि प्रत्येक हृदय में मैं परमात्मा के रूप में निवास करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। श्री कृष्ण बताते हैं, हे अर्जुन, प्रत्येक हृदय के अंदर मैं परमात्मा रूप में निवास करता हूँ, अंगुष्ठम मात्रम, अर्थात अंगूठे के आकार के। जो जीव जितना बड़े आकार वाला होता है, उतना जितना उसका अंगूठा होता है, उतना ही बड़े भगवान परमात्मा रूप में निवास करते हैं। अन्य स्थान में श्री कृष्ण कहते हैं, 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में, अहम आत्मा गुडा के इस सर्वभूता से स्थित। अर्थात हे अर्जुन, हे अज्ञान के विजेता, हे नींद के विजेता, अहम आत्मा गुडा केश, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं प्रत्येक जीव का जो हृदय है उसमें श्री कृष्ण निवास करते हैं। अब देखिए, श्री कृष्ण जहाँ निवास करते हैं वो स्थान कैसा होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए। अगर उस स्थान में कीचड़ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य का कीचड़ है, तो श्री कृष्ण ऐसे स्थान में भला क्यों रुकने वाले? तो इस वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष में हम सभी भक्तों को प्रयास करना चाहिए, हम सभी मनुष्यों को प्रयास करना चाहिए कि अपने उस अंग को, उस हृदय को जिसमें श्री कृष्ण निवास कर रहे हैं, जो सबके स्रोत हैं। श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवदते। हे अर्जुन, मैं ही समस्त प्रभवों का, अर्थात समस्त ऐश्वर्यों का स्रोत हूँ। तो श्री कृष्ण ही स्रोत हैं, श्री कृष्ण की अध्यक्षता में ही सब होता है और हृदय के अंदर वो निवास करते हैं। तो हमें चाहिए हम इस हृदय को स्वच्छ बनाएं। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि हृदय को स्वच्छ कैसे बनाएंगे?
ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी भी केमिस्ट शॉप में जाकर आप ये कहें कि मुझे हार्ट क्लीनर दीजिए, क्योंकि हार्ट क्लीनिंग के लिए मटेरियल वर्ल्ड में कोई भी सिरप ऐसा नहीं बना है, कोई हार्ट क्लीनर ऐसा नहीं है, कोई ऐसा टॉनिक नहीं है जिससे कि आप पीने से, जिसको रगड़ने से आप अपने हार्ट को स्वच्छ बना पाएं। इसकी स्वच्छता के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसकी स्वच्छता के लिए कहा गया है, स्क्रिप्चर कहता है, चेतो दर्पण मार्जनम, अर्थात चेतो का अर्थ है हार्ट, दर्पण इट मीन्स स्क्रिप्चर कहता है कि इस हार्ट पर एक ग्लास लगा हुआ है जिस पर जन्म जन्मों की धूल जमी हुई है। कभी किसी योनि में हम कुत्ता थे, कभी गधा थे, कभी घोड़ा थे, तो कितने अनंत कोटि जन्मों की जो धूल है इस हृदय पर लगी हुई है, जिसके कारण हम स्वयं को शरीर से पहचान करने लगते हैं। स्क्रिप्चर कहता है चेतो दर्पण मार्जनम, अर्थात चित्त के दर्पण की सफाई आवश्यक है, हृदय के दर्पण की स्वच्छता आवश्यक है। तो कैसे होगी? स्क्रिप्चर कहता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जब हम जप करते हैं तो चित्त के दर्पण की सफाई शुरू हो जाती है, और हृदय में रहने वाले श्री कृष्ण जब हम उनकी कथाओं का श्रवण करते हैं वो हमसे प्रसन्न हो जाते हैं और धोबी का कार्य शुरू कर देते हैं। वो हमारे हृदय को स्वच्छ करते हैं काम से, क्रोध से और जितने भी ये दुर्गुण हैं। तो आइए, ये जो वर्ल्ड हार्ट डे है, 29 सितंबर का तिथि जो पूरे विश्व में विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, हम श्री कृष्ण की को प्रसन्न करने का प्रयास करें, उनके नाम का जप करके, उनकी कथा का श्रवण करके। और अगर हम श्री कृष्ण को प्रसन्न कर लेंगे तो वो प्रसन्न अगर होते हैं तो अपनी कृपा की जो अमृतमयी वर्षा वो हम पर करेंगे, इससे हम इस जीवन में भी सुख समृद्धि प्राप्त कर पाएंगे और अगले जीवन में भी हमें उनकी कृपा मिलेगी। और श्री कृष्ण गीता में कहते हैं पुनर्जन्म न विद्यते, अगर कोई मुझे जान लेता है, कोई मेरी भक्ति करता है तो इस संसार में उसका दोबारा जन्म नहीं होता है। इसलिए हमें आइए क्या करना है, श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है और अपने हृदय को श्री कृष्ण की भक्ति से लबालब भरना है। हरे कृष्णा। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।